बहुत दिन हो गए थे भाई साहब स्ट्रीक वॉर को चालू किए, और जैसे ही हमने चालू करा ना खतरे की घंटी बज गई, बहुत खतरनाक वाली, क्योंकि हमारी वॉर विन स्ट्रीक चल रही है 17, तो हमने कोशिश करी कि अब इसको चलो 18 कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वॉर लगाना भाई, अपोनेंट का क्लैन जो सामने आया है उनकी वॉर विन स्ट्रीक है 37 है, उनको 38 करना चाह रहे हैं, हमारी 17 में 18 करना चाह रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई, इसकी यहाँ पे जीरो होने वाली है। बड़ा खतरनाक माहौल फैल चुका है मार्केट में, और मार्केट में आग लगा दो एक छोटा सा बटन दबा के, सब्सक्राइब वाला और उसके साथ में लाइक वाला। ये देखो गाइस, अब मैं आपको दिखाता हूँ करंट वॉर सिनेरियो। 112 स्टार मार चुके हैं अपोनेंट, 40 वर्सेस 40 का वॉर है, 50 का नहीं है, यानी कि सिर्फ 8 स्टार पीछे चल रहे हैं परफेक्ट वॉर मारने में हमको। और एक मेरा हो, मेरा ट्रिपल खा गया, नंबर 4 हमारा बचा हुआ है, 5, 6, 7, 8 हमारे बचे हुए हैं। सामने कितने टर्मिनल, 15, एक को हमने ट्रिपल मार दिया है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नो टाउन होल 15 हैं, और ये वाले बेसिस बचे 77 स्टार्स हैं हमारे, और हमारी जो वॉर विन स्ट्रीक है 37 है। देखो झूठ नहीं बोल रहे हैं, मजाक बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। और अपोनेंट की देख लो गाइस, एनिमी टीम की 38 है भाई, बड़ा खतरनाक माहौल फंस गया है। और मेरे कुछ अटैक्स बचे हुए हैं जो मुझे अब करने हैं, नीचे से लेके ऊपर तक कुछ कुछ अटैक करेंगे। सबसे पहले अपन करेंगे टाउन हॉल 11 से शुरुआत। वाह, डोनेशन नहीं है तो डोनेशन ले लेते हैं। और भाई मैं बिल्कुल भी कोई एक्सपेरिमेंटल अटैक नहीं करूंगा उल्टी सीधी आर्मी इस्तेमाल करके, कि मैं नहीं चाहता किसी भी रीजन से भाई अपनी वॉर विन स्ट्रीक 17 से जीरो हो जाए, इसलिए हम अपनी भरोसेमंद आर्मी, बचपन की आर्मी इलेक्ट्रो ड्रैगन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कोई दुख तो नहीं किसी को कि मोगेम्बो ने ये वाली आर्मी नहीं करके दिखाई, वो वाली करके नहीं दिखाई, इलेक्ट्रो ड्रैगन क्यों कर दिया भाई, वॉर ना हार जाए इसलिए, ट्रिपल ही ट्रिपल मारना है इसलिए, हिल नहीं करना चाहता इसलिए। और बाप रे, दीवार तोड़ के कहां ही घुस गए। आर्टिलरी को टेक डाउन करना चाहिए, उसे कर नहीं रहे, रीज करना पड़ेगा। किंग वाला कंपार्टमेंट में आर्टिलरी नहीं आई। ये आर्टिलरी क्यों नहीं आ रही, चलो आ गई, अब तो मैं रेज मार दूंगा यहां पे, अभी कोई परवाह नहीं है मेरे को। अरे एयर डिफेंस की देखो पोजीशन, देख रहे हो आप, इलेक्ट्रो ड्रैगन्स पहुंच ही नहीं पा रहे एयर डिफेंस तक। नाइस पोजीशन ऑफ एयर डिफेंस, मात्र एक फ्रीज बची है, और एक एयर डिफेंस नहीं, दो दो एयर डिफेंस बचे हैं, और सिर्फ बचे हैं हमारे ये बारबेरियंस। बहुत क्लोज जा रहा है गाइस ये अटैक, सुपर क्लोज जा रहा है, अभी भी एयर डिफेंस बचा हुआ है और मेरे बारबेरियन छुटकू लाल बचे हैं। हाय हाय, समझ रहे हो, ये 11 पे इतना क्लोज अटैक हो गया क्योंकि आर्मी मेरी थोड़ी सी भटक गई थी, कोई दिक्कत नहीं है, 3 स्टार तब भी ये होके ही रहेगा। बारबेरियंस को थोड़ी सी देर लगेगी वार को तोड़ने में, पर तोड़ ताड़ के अंदर घुस ही जाएंगे, तो अपना जो योगदान है वो भरपूर रहेगा इस अटैक में। अरे ये जाएंगे आज की डेट में या नहीं जाएंगे, पावली पूंछ की तरह लगे हुए हैं, घुस ही नहीं रहे। अगला भी ट्रिपल मारना है भाई, ऐसे काय कर रहे हो। और इसी दौरान मेरा अटैक अगला करने से पहले ईशान भाई साहब आ चुके हैं अटैक करने के लिए, एक अटैक ऑलरेडी वो कर चुके हैं, वन को ट्रिपल मार चुके हैं, और नंबर 2 के ऊपर भी अटैक करने के लिए निकल चुके हैं, लिंप लेकर आए हैं, सुपर आर्चर ब्लेड टेक डाउन कर दिया गया है रॉयल चैंपियन को, सीसी बाहर आएगा, आ गया है लिंप, पहुंच गई है, पॉइजन टावर है वहां पे, जीबल टावर भी है,
और भाई ऐसे में डर बड़ा लगता है सुपर आर्चर्स को देख के कि कहीं वो मर ना जाए। चलो वो मरे नहीं, ये अच्छी बात है, उससे भी बढ़िया बात है कि इनविजिबल लेट कर दी, जिसकी वजह से और वैल्यू जो आ सकती थी वो आ नहीं पाई, एक बेबी ड्रैगन आ गया, कुछ बलून्स आ गए हैं। इनको यार अलग ही जगह पे उतारा है इसने, यहां पे क्यों उतारा है समझ नहीं आ रहा। हेड हंटर से मरवाने के लिए किंग को यहां पे उतारा गया, एकदम ही रॉन्ग डिप्लॉयमेंट थी ये किंग की, ताकि किंग मर जाए। या किंग को क्यों मरवा रहा है यार, किंग को कोई भी क्यों मरवाना चाहेगा, इतना प्यारा बंदा है किंग, मजे नहीं आ रहा क्या कर रहा है ये, किसी को मारने की कोशिश कर रहा है, सीसी मर ही नहीं रहा। इन आ गई है स्कैटर शॉट वाले कंपार्टमेंट में, पर जाएगी नहीं उधर, ये अटैक तो फेल मान के चलो गाइस, बिल्कुल पक्का, पूरा पक्का फेल होगा ये, 100% फेल होगा ये। कि सीसी मारने के साथ क्या कर रहा है सीसी मारने, मेरे को समझ ही नहीं आया इसका, कैसे सीसी मार रहा है ये, अभी तो मेरे को डाउट हो गया कि पहला अटैक कैसे ट्रिपल किया इसने वो वाला अटैक तो मैंने देखा ही नहीं। चलो गाइस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर देखो ईशान ने पहले भी इसको ट्रिपल तो मारा ही है, और यहाँ वाले पे तो गधी बैठ गई है, इसलिए इसे छोड़ते हैं और अब अपने अटैक की तरफ चलते हैं। भाई टीएच 11 के बाद चलते हैं अगले टीएच पे, जिसका नाम है टीएच 12, और अटैक हमने इस बेस के ऊपर अब दे मारा। ऐसा बेस है, ऐसे बेस पे एक बेबी ड्रैगन यहाँ पे उतारना पड़ेगा, एक क्वीन यहाँ पे उतारनी पड़ेगी, वैसे एक ही क्वीन होती है, कुछ इलेक्ट्रो ड्रैगन, स्टोन स्लैमर एंड वार्डन एंड एबिलिटी भी देनी ही पड़ेगी भाई। सीसी में सुपर ड्रैगन, ऊपर से भी ऊपर है ये ड्रैगन, मरने का नाम ही नहीं ले रहा, तो सुपर से भी ऊपर ही है भाई। अरे टाउनल 12 पे वो तो होता ही नहीं है, क्या कहते हैं उसे, अरे जो आखिरी में डिफेंस तोड़ता है, रॉयल चैंपियन, रॉयल चैंपियन ढूंढ रहा था अभी मैं टाउनल 12 पे, ये अभी तक आया नहीं है, और मैंने एकदम अगेंस्ट से अटैक कर दिया है टीएच के, ये आ जाए बस अब किसी तरह। अरे क्वीन निकाल क्यों नहीं रही बेवकूफ टीएच को, एक घंटा लगा दिया बताओ। टोर्नेडो भी निकल गया भाई, बहुत रिस्की अटैक था, बहुत ही रिस्की अटैक था, है ना, मुझे भी लगा बहुत ही रिस्की अटैक था, पर चलो कर भला सो हो भला, और अंत भला तो सब भला। एक मनुष्य स्पेक्टेटर आराम से कोने में चुपचाप बैठ के देख रहा है कि ब्लैक माइन आके मेरे इलेक्ट्रो ड्रैगन को लगे और मेरा इलेक्ट्रो ड्रैगन मरे, मर गया, और वो वापस से देख रहा है कि जायंट बॉम्ब आके फटे। अरे कितने भी जायंट बॉम्ब फट जाएंगे, ये किंग की इतनी हेल्थ जो नजर आ रही है ये खत्म हो सकती है, देखो जायंट बॉम्ब भी आ गया, जो जब बोल रहा है ना सब आ रहा है। इसी दौरान एक बंदा टाउनल 13 पे अटैक करने निकल गया चुपचाप, एक अटैक मैं कर रहा हूँ, एक अटैक क्लैन वाले कर रहे हैं, और वो भी चुपचाप पता नहीं चलने दे रहे। भाई आसू ओपी इनचार्ज हाइब्रिड कर रही है, पता नहीं क्यों कर रही है, नाक खराब है इसका।
ऑल ब्रेक कर दिया गया है टीएच वाला कंपार्टमेंट। इंचार्ज चल रही है उलट तरीके से। दो हील, एक फ्रीज और जो एक रेज बची थी वो लगा दी गई है। किंग आ चुका है और अब आएगी साथ में आर्मी, यानी कि माइनर्स एंड होग राइडर्स। यहीं पे निकला टेस्ला फार्म, इनने निकाल दिया रॉयल चैंपियन को। हील आ चुकी है, टाउन हॉल 12 से टाउन हॉल 13 कर रहा आई थिंक। देख के तो यही लग रहा है कि टाउन हॉल 13 पे इलेक्ट्रो टाइटन नहीं, क्या बोलते हैं उसको, अरे क्या नाम है उसका, रॉयल चैंपियन होती है ना शायद, होती हो ना होती हो, अटैक बहुत खतरनाक पेल दिया इसने भाई यहां पे। अब इसको देख के मेरे को भी जोश चढ़ गया गाइस, मैं भी अपना लट लेके फिर वापस से चिपटूंगा किसी के। एक अटैक मैं कर रहा हूं, एक अटैक किलन वाले कर रहे हैं, मेरा ही वेट कर रहे थे क्या। बेहतरीन अटैक और ओवर किल किया गया है इस बेस को आसू ओपी के द्वारा। टाउन हॉल 12 का एक ये बेस बचा हुआ है, इस बेस के ऊपर 2-3 बंदों के अटैक खराब हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं, ट्रिपल नहीं हो रहा है, ये पता नहीं क्यों, ऐसा क्या है इस बेस में, दिखने में तो वैसे थोड़ा सा उठपटांग ही है, पर चलो इसके ऊपर हम कुछ करने का ट्राई करते हैं। कैसे जगह से अटैक करेंगे क्योंकि जनरली कोई नहीं करता इधर से, ये जगह ठीक नहीं है अटैक करने के लिए। गलत जगहों से अटैक करने में मैं एक्सपर्ट हूं, ये गई क्वीन और ड्रैगन निकल गया मेरा। चार फ्रीज है मेरे पास, अभी ध्यान ही नहीं दिया मैंने, अभी अभी ध्यान दिया, एक लगा देता हूं सुपर ड्रैगन भर जाएगा मरना। टेस्ला फार्म मिल गया पीछे की तरफ, एक रेज लगानी पड़ेगी यहां पे, एक फ्रीज के साथ किंग की एबिलिटी दे देते हैं। एयर डिफेंस मरने का नाम ही नहीं ले रहा है। दो फ्रीज अभी भी हैं, पॉइजन लगा देते हैं किंग के ऊपर। दो फ्रीज बचा के रखूं क्या, स्वैग के काम आएगी क्या, या फिर स्वैग के चक्कर मेरा अटैक फेल हो रहेगा क्या, कुछ नहीं पता, हो भी सकता है, इसलिए एक फ्रीज यूज कर लेते हैं वार्डन पे, जो वार्डन देता है हैवी डैमेज। और मल्टी टारगेट इन्फर्नो यार वोकेबल ही नहीं है क्वीन के लिए। ओए वाह, वहां पे ब्लैक माइंड भी रखी हुई है, कमाल की बात है। देखो एक फ्रीज तो मैं स्वैग करके रहूंगा, चाहे कैसे भी करूं, ऐसे कर देता हूं। कांटे की टक्कर चल रही है इस वॉर में, 37 की वॉर भी स्ट्रीक अपोनेंट की। और अगर अब हम स्कोर कार्ड को देखें, 39 स्टार हो चुके हैं हमारे, और यहाँ पे टाउनल 13 का सिर्फ एक बेस बचा हुआ है और मेरा अटैक रह रहा है ऑफ कोर्स टाउनल 13 का। तो इसको सबसे पहले अपन रिमांड रूम प्रतियोगिता में लेते हैं इसको, उसके बाद देखते हैं स्कोर कार्ड। यार एयर डिफेंस की लोकेशन बहुत खतरनाक है इसमें, एक रेज, थ्री रेज, फ्रीज, एक क्वीन की एबिलिटी बचे। टीएच क्यों नहीं आ रहा भाई, बहुत देर लगा दिया टीएच ने तो।
स्पेल चैंपियन का भी डिप्लॉयमेंट करना ही पड़ेगा। सारी स्पेल जा चुकी है, करना भी क्या स्पेल बचा के, है ना। अरे किंग की एबिलिटी भी दबा दी मैंने, गलती से दब गई है, तो मैं दबाना नहीं चाहता था। ओ कितना क्लोज थी। और एक मिनट, अटैक का टाइम तो मैंने देखा ही नहीं, 1 मिनट 10 सेकंड में बेस खत्म हो गया। टाइम देख रहा, 1 मिनट 10 सेकंड, बाप रे बाप, बहुत फास्ट अटैक हो गया ये तो मेरा। फिलहाल गाइस टाइम आ गया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अटैक करने का इस वॉर के, यानी कि टनल 15 के अटैक करने का। यहीं से रिजल्ट भी निकलेगा इस वॉर का, क्योंकि टनल 15 को अगर हम ट्रिपल मारेंगे तो फिर वॉर खत्म ही है। चलिए पहला अटैक करता हूं मैं अपना। और देखते हैं क्या होता है। इनकी एबिलिटी बचनी चाहिए। नलिथ टेक डाउन हो गया। एबिलिटी भी बच गई है। ओ गलती से क्वीन की एबिलिटी दब गई, दिक्कत हो गई, ये नहीं दबनी चाहिए थी। रिवर कम समस्या हो गई है गाइस, ये इनकी एबिलिटी दबना। स्कैटर शॉट बचे हैं और रेज टावर भी बचे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो बचा है उसे बचा रहने दो, है ना, क्या ही फर्क पड़ता है, बचते हैं क्या, क्या कहते हैं उसे, करे है जिम करे, कहाँ है मेरा चश्मा। ऐसे में गाइस मेरा देखने का मन नहीं करता जब किसी की 37 की वॉरविन स्ट्रिक जा रही होती है, 37 की वॉरविन स्ट्रिक जीरो हो रही होती है, तो उनका दुख मेरे से देखा नहीं जाता, इसलिए मैं चश्मा पहन लेता हूं। आप भी चश्मा पहन लो और लाइक और सब्सक्राइब बटन तब जाना चाहिए गाइस। बड़े स्लो हो गए हो आजकल आप। चलो गाइस नंबर 3 उड़ाया, नंबर 4 को भी देते हैं एक चटकारा और करते हैं इससे थोड़ा सा प्यार, प्यारा प्यारा कि मारना तो सबको ही है ना, छोड़ना तो किसी को भी नहीं है। नंबर 4 को भी क्यों ही छोड़े, इस हिसाब से आर्मी मेरी गलत गलत जगह पे जा रही है ना, ऐसा लग रहा है कि छोड़ना पड़ सकता है मजबूरी में। ये ऐसी जगह पे जा रही है जहां पे जाना नहीं चाहिए यार, इसलिए बुरा लगता है। लावा बाहर निकाल लिया बताओ, यही तो कह रहा हूं मैं, इसीलिए तो बुरा लगता है। वहां जाने की जरूरत ही नहीं है कि जहां तुम घुस गए हो, लावा निकालने की क्या जरूरत थी बताओ, कोई जरूरत थी, बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। वो किंग के पीछे पीछे घूमता रहेगा। एकदम गलत गलत हो रहा है सब। इलेक्ट्रो ड्रैगन बाहर जा रहे हैं, लावा किंग के ऊपर घूम रहा है, कुछ भी ढंग का यहां पे हो नहीं रहा है। पॉइजन टावर बाहर निकल गया है, सब गलत हो रहा है गाइस, कुछ भी एक चीज ढंग की नहीं हो रही। आरसी की हेल्थ बिल्कुल बची नहीं है, फिर भी बेचारी लगी पड़ी है डिफेंसेस को टेकडाउन करने में, सब गलत हो रहा है गाइस। लावा अभी भी जिंदा है, लावा से कोई बात ही नहीं कर रहा है गाइस, सब गलत हो रहा है गाइस, कुछ अच्छा नहीं हो। चश्मा पहन लो गाइस, सब गलत हो रहा है, क्यों बताओ। लावा से कोई बात ही नहीं कर रहा है, उसकी तरफ कोई देख ही नहीं रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा उसकी,
अरे फाइनली गाइस किसी ने तो उसकी सुनी। अरे स्पेल्स नहीं बचे, जूम कर रहा हूं भाई, जूम नहीं हो रहा था। अरे रॉयल चैंपियन अभी भी मरी नहीं है, मर गई। तो वही कह रहा यार, ये आखिर तक हीरो एचपी पे एक घंटे से घूम रही है, सारे डिफेंस भी टेक डाउन कर दी, मर नहीं रही है उसके बाद भी। ऐसा ही सोच रहा होगा अपोनेंट, मैं खुद ही यही सोच रहा हूं, बड़ा बुरा हुआ। T7 की वॉर्मिन स्ट्रीक तो बहुत खतरे में आ गई भाई, होते ही खतरे में आ गई है भाई। जब इतने ट्रिपल मार ही दिए तो जाते जाते इनकी कमर भी पूरी तोड़ दो ना, जीतने का कोई चांस ही ना बचे। एक टाउनल 14 कोर पेल देते हैं गाइस, उसके बाद इनको जय श्री राम बोलेंगे। इनका डिप्लॉयमेंट, इलेक्ट्रो ड्रैगन्स का डिप्लॉयमेंट, ब्लिंप, रेज, वन मोर रेज, फ्रीज, रेज, फ्रीज, स्पेल डिप्लॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत एक्यूरेट और एकदम प्रिसाइज होनी चाहिए सही जगह पे, वरना सब बर्बाद है इलेक्ट्रो ड्रैगन। बच गया मोनोलिथ भाई, किस तरह कैसे बच गया समझ नहीं आ रहा, और बच गया है। रियल चैंपियन के हवाले इतना लंबा चौड़ा वतन साथियों, ऐसे बनेगी बात साथियों। मुश्किल है गाइस वतन अभी भी जीतना साथियों, क्योंकि जो मल्टी टारगेट इन्फर्नो है वो वॉकेबल नहीं है। शायद एक्सबो भी वॉकेबल नहीं है, दीवार कैसे टूटेगी ये सोच लो। अगर दीवार टूट जाती है फिर तो बात बन जाएगी, किंग दीवार तोड़ दे तो मैटर सोल्व हो जाएगा इस बेस का। तोड़ दी किंग ने दीवार, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, अगर किंग ने दीवार तोड़ी तो मैटर सोल्व हो जाएगा, पर ये एक्सबो ने मैटर को फिर से उलझा दिया गाइस, क्योंकि एक्सबो ने मार दिया मेरे घोड़े को और क्वीन बची है जीरो एचपी पर, एक और जॉइंट बॉम्ब, पर फिर भी ट्रिपल। कहां जाऊं मैं, मुंह छुपा लेता हूं गाइस, ऐसा घटिया अटैक करके ट्रिपल हो जाता है तो मुंह ही छुपा लेना चाहिए। अरे भाई बहुत बुरा। लो जी करंट वॉर सिनारियो ये है, 1.5 घंटा बचा है वॉर खत्म होने में। 59 अटैक हमने करे हैं, 69 अपोनेंट ने करे हैं। अपोनेंट के टाउनल 15 के अटैक खत्म हो चुके हैं, हमारे टाउनल 15 के अभी भी 2-3 अटैक बचे हुए हैं। 115 स्टार हम ऑलरेडी मार चुके हैं, टाउनल 15 का अब कोई भी बेस हमारा 3 स्टार खाने वाला नहीं है, ये बात पक्की है। अपोनेंट की जो 37 की वॉर्म स्ट्रीक है वो 0 होकर रहेगी हर हाल में, और अपनी स्ट्रीक एक और बढ़ जाएगी, 18 पे पहुंच जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे लिए बड़ा मोटिवेशन का काम करता है, जरूर दबा के जाना। मैं मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, साथ में ध्यान रखें अपने प्यारे माता पिता का भी। बाय।